हेलो गाइस, वेलकम बैक टू वेल्ला इंजीनियर वंस अगेन। सो दोस्तों, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन एक्यू जॉब। ये पर्टिकुलरली एक्यू जॉब के ऊपर ही है। सो दोस्तों, आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब कमेंट। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि स्टूडेंट और जो सिस्टम है एक्यू जॉब और यशवर्धन सर, जो भी इनके जो करिकुलम है, इनके में जो कॉन्फ्लिक्ट हो गया था उसको लेके मीटिंग हुआ था अभी कुछ दिन पहले। तो उसके बारे में अपडेट देना चाहता हूँ आपको कि उसमें बच्चे सब के बहुत सारे कंप्लेन निकल के आए थे, जो कि मैंने भी जब सुना था तो मैं दंग रह गया था कि ऐसा भी हो रहा है कुछ। लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि ये मीन्स कैसे ये हो रहा है, ये जितनी कन्फ्यूजन है, ये बहुत लोग को तो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन कुछ लोग का प्रॉब्लम जेन्युइन था कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो दोस्तों, अभी मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूँ, टाइम फैक्टर एंड लक फैक्टर, ये दोनों बहुत काम आते हैं जब भी आप कहीं पे जॉब लेने जाएं या फिर प्लेसमेंट में बैठें। इन दोनों के बिना आपका नहीं हो पाता है कुछ भी। तो दोस्तों, जो लोग लक में नहीं मानते, आई डोंट नो वाई, बट आप लोग को यहाँ पे देखना होगा कि ये जो अभी टाइम है वो बहुत क्रिशियल टाइम चल रहा है एक टेक इंडस्ट्री के लिए। एंड उसमें आपको प्लेस्ड होना, वो भी एक रजिस्ट्रेशन पीरियड में, जबकि हायरिंग बहुत ही कम हो चुकी है। मैं खुद गवाह हूँ इस चीज़ का कि अभी जो कंपनी जो आती थी पहले 30 30 40 40 बच्चे उठा के ले जाती थी, वो अब आती है तो 5 बच्चे उठा के ले जाती है। तो समझ सकते हैं कि कितनी क्राइसिस आ गई है इंडस्ट्री में। एंड दोस्तों, ये रिसेशन का ये इफेक्ट है कि लोग इतने पैनिक हो गए हैं। इस जो बूट कैंप में थे, ये लोग का जो टाइम है अभी, जिन्होंने अगस्त में एडमिशन लिया था या फिर जून में एडमिशन लिया था, तो उनका 8 मंथ अभी पूरा होने वाला होगा। तो जिसके कारण से उन लोग को इंटरव्यू नहीं आ रहा और लोग प्लेस नहीं हो पा रहे थे, प्लेस्ड नहीं हुए, तो उसके कारण से इन्होंने ये क्वेश्चन रेज किया। जिसके बाद से हमारे सर यशवर्धन सर ने सोचा कि एक मीटिंग ज़रूर होना चाहिए और सॉल्यूशन निकालना चाहिए, क्या दिक्कत आ रही है बच्चों की। तो जब मीटिंग कंडक्ट की गई तब बहुत लोग तो फ्रस्ट्रेशन में थे, मीन्स अनाप शनाप, बहुत उल्टा सीधा भी बोल गए, लेकिन वो होना नहीं चाहिए। एक प्रोफेशनलिज्म में ऐसा नहीं करना चाहिए, एक अच्छी तरीके से अपनी बातों को रखना चाहिए। सो खैर, तो मैं कुछ बात बताने चाहता हूँ कि बच्चे का जो कंप्लेन था वो था कि उनको लेस इंटरव्यू आ रही है, बहुत कम इंटरव्यू आ रही है, पूरे महीने में एक इंटरव्यू देने का मौका मात्र मिल रहा है, एलिजिबिलिटी नहीं हो पा रहा है, मतलब कि अनयूजुअल एलिजिबिलिटी लगाया जा रहा है कि पर्टिकुलर मुझे बीटेक में सीएस का ही बंदा चाहिए, पर्टिकुलर मुझे बीकॉम का ही बंदा चाहिए। तो ये सब के कारण बहुत जगह तो एलिजिबल ही नहीं हो पा रहे स्टूडेंट। बहुत जगह ये है कि उनका सारा कुछ इंटरव्यू हो गया, सब कुछ परफेक्ट गया उनका, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उनको पता भी नहीं है कि क्यों रिजेक्ट किया गया। तो उसके लिए कुछ ट्रांसपेरेंसी नहीं थी सिस्टम में, तो उसके लिए इन्होंने बोला कि ठीक है, हम डायरेक्ट कम्युनिकेशन करवाएंगे आपका प्लेसमेंट सेल से हमारे। तो ऐसे कर करके ये लिखते गए नोट्स यशवर्धन सर, एंड नोट डाउन करते गए, उसके बाद से ये सॉल्यूशन निकालने के लिए अपना जो एफर्ट है वो लगाने लगे हैं। तो दोस्तों, ये जेन्युइन है कि पेशेंस लूज करना, ये जेन्युइन है। कोई भी बंदा अगर 8 मंथ से ये इस आस में है कि उनको एक अच्छा मौका मिलेगा, अपॉर्चुनिटी मिलेगा, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रहा है इस की जॉब की तरफ से, तो ये एक जेन्युइन है कि वो लोग फ्रस्ट्रेट होंगे और वो लोग तरह तरह की डिमांड्स करने लगे। तो एक डिमांड ये भी निकल के सामने आया है कि डीएसए जो ये पढ़ाते हैं, डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की, तो स्टूडेंट्स का कहना था कि इसकी डिमांड मार्केट में अब बिल्कुल भी नहीं है, कोई लेना नहीं चाहता है, बल्कि उसके जगह अगर मर्न मर्न स्टैक सीखा हुआ बंदा है तो कंपनी उसको एज ए फ्रेशर भी अच्छे पैकेज के साथ हायर कर रही है। तो ये एक बात समझ निकल के सामने आई, जिसके कारण जिसके बाद यशवर्धन सर ने भी काउंटर किया कि मीन्स ऐसा तो इनके रिसर्च टीम भी है, हर कंपनी की रिसर्च टीम होती है, अभी क्या मार्केट के सिनेरियो। तो इन्होंने बोला कि अभी ऐसा कुछ सिनेरियो नहीं है। बाद में फिर पता नहीं क्या हुआ कि दोनों में ऐसे कॉन्फ्लिक्ट हुआ। बहुत जगह बैच मैनेजर जो होते हैं, मैंने बताया है अपने पिछले वीडियो में, एंड मॉड्यूल 1 का भी मैंने वीडियो बताया है कि कैसे होता है कंप्लीट, तो वो सब आप वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। तो बैच मैनेजर के बारे में भी कंप्लेन हुआ कि बैच मैनेजर को ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है, इस तरह का कंप्लेन आई। और मतलब क्योंकि आप जान सकते हैं कि एक जॉब या किसी भी बूट कैंप इंस्टीट्यूट में बच्चे कहीं कहीं से भी हैं, 12th करके भी हैं, बीएससी है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, एलएलबी, लॉ, एमबीबीएस तक के भी कुछ कुछ जो बच्चे हैं जो नहीं सक्सेस कर पाए वो लोग भी हैं इसमें कहीं ना कहीं, जॉब वाले भी बच्चे। तो जॉब वाले जो बच्चे हैं जो ज़्यादा चिल रहते हैं, और वो लोग ज़्यादा कंप्लेन ये कर रहे थे कि हमें 3 लाख 4 लाख की जॉब नहीं चाहिए,
उसके लिए वो लोग ये बोले थे कि मैं तो जॉब छोड़ के आया हूँ, तो मुझे ज्यादा हायर पैकेज चाहिए। सबके अलग अलग तरह के मिक्स टाइप की डिमांड थी, जिसके कारण सारे मतलब लगभग 5 घंटा मीटिंग चला था। 7 बजे से लेके आपको देख सकते हैं 12 बजे, 12:30 बजे तक मीटिंग चला था रात के। तो 5-6 घंटा एकदम लगातार मीटिंग चला था, जिसके कारण पूरा सुना गया सारे की बात को। लगभग 200 to 300 के अप्रोक्स ही बच्चे होंगे उस मीटिंग में, तो सबने कंप्लेन किया। खैर मैं हम लोग तभी उस स्टेज पे पहुंचे नहीं थे, प्लेसमेंट रेडीनेस अभी हुआ नहीं था हम लोग का, तो हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते थे। तो उसके बाद से फिर थोड़ा सा मैं भी अवेयर हुआ, और मैंने मुझे मुझे लगा कि ये सिनेरियो बताना चाहिए, क्या कि जॉब हो या किसी भी, अभी मसाई भी देख लीजिए, सारे लोग कंप्लेन कर रहे ही हैं। मसाई में भी बहुत लोग अभी एग्रेसिव में हैं, मसाई स्कूल में भी, कि नहीं हो पा रहा है, लक्ष्य हो नहीं रहा। दूसरा ये बात है कि ये लोग कट ऑफ ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। कट ऑफ मीन्स ये हो गया कि आप मॉड्यूल, आप जब मॉक होगा तो आपको मॉड्यूल क्लियर, सॉरी मॉड्यूल तो आप क्लियर कर लीजिए, लेकिन मॉक इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको पहले चाहिए होता था 8.6 पॉइंट भी रहते थे पहले, कि आप बस 60% उठाइए, 8.2 उठाइए आउट ऑफ 10। तो अब कर दिया आउट ऑफ 10, 9.5 से ऊपर लाना होगा आपको, अगर आपको मॉक इंटरव्यू पास करना है तो, इसके कारण आपकी एलिजिबिलिटी होती है। तो ये सब बहुत आ रही है कॉन्ट्राडिक्शन। तो इसके बाद से सर ने प्रॉमिस किया है सॉल्यूशन निकालने का, लेट्स सी ऐसा हो पाता है कि नहीं। एंड दोस्तों, बच्चों ने प्रीवियस रिकॉर्ड भी जो है इनका डाटा मांगा है, कि जो लोग प्लेस हुए हैं लास्ट 3-2 मंथ में, तो उनका आप लिंक्डइन अकाउंट दीजिए, ताकि उनसे हम लोग बात कर सकें। तो दोस्तों, ये सब सीन होने के बाद कुल मिला के बात यहाँ पे आती है सप्लाई एंड डिमांड का। जितने सप्लाई हैं उतने हिसाब से डिमांड नहीं अभी क्रिएट हो पा रही इंडस्ट्री में, और कंपनी उतना हायर नहीं कर पा रही, जिसके कारण से ये सारे क्लैशेस हो रहे हैं। जितनी जो कॉलेप्स हो रही, जितनी भी ये दिक्कतें आ रही हैं, सब उसके कारण ही हो रहे हैं। क्योंकि एक एक सीट के लिए, एक एक रिक्रूटिंग पोजीशन के लिए बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं कंपटीशन में। सो दोस्तों, आई होप कि ये सारे कुछ लिस्ट ठीक हो जाए। एंड दोस्तों, जो भी आप कमेंट करके बताइए कि सच में मॉन स्टैक के बाद ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, या फिर DSA फालतू हो गया, मतलब DSA में कुछ ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। तो आप लोग जितने भी नॉलेजेबल पर्सन हैं, तो वो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि ऐसा सच में रियल में हो रहा है, एंड आपको अपना सुझाव दीजिए। सो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट, एंड प्लीज प्लीज प्रेस ऑन बेल आइकन।